खुशामदीद नाजरीन। गोशामहल एमएलए राजा सिंह ने दुलपेट की अहमद शाही मस्जिद का दौरा किया। तफसील के मुताबिक दुलपेट की अहमद शाही मस्जिद की एक कमान बारिश की वजह से बोसीदा हो चुकी थी और वो कभी भी गिर सकती थी। इसी के चलते जीएचएमसी अमले ने कमान को जेसीबी से गिरा दिया, जिसके बाद मस्जिद की एक बोसीदा दीवार भी गिर गई। अरब गोरक्षा दल बारकस के सदर एडवोकेट अब्दुल्ला हामिद ने मस्जिद का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने बारकस और दीगर लोगों के एक वक्त के साथ गोशामहल एमएलए राजा सिंह से मुलाकात की और दुलपेट की अहमद शाही मस्जिद के दीवार के तामीर के लिए नुमाइंदगी की। अब आप एक राजा है, राजा की प्रजा ना हिंदू समझ सकते हैं। आपके क्षेत्र में एक मस्जिद बनता है, तो मस्जिद की उसको आमदनी ये छोटी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मस्जिद का अगर दीवार का काम कर दिया तो भगवान आपको देना उसका जीन है। बिल्कुल अंदर कोई है तो सर मॉडल है, मॉडल सर मॉडल आप बुढ़े हो हम वही तो मेरा आप क्या देखा चलिए बुझाता हूँ कि कौन सा दीवार बन गया क्या है उसका, लेकिन मैं तुरंत एक पाँच से दस दिन बहुत सारा मट्टी पड़ रहा है दम करना पड़ता है। कैसा है कमान था, कभी भी गिरने के पोजिशन में था कुछ अच्छा अच्छा गिरने के पोजिशन में था, खतरा था जैसे भी लाया गिर गया उसमें क्या है जितने साइडों में गिर गया ना उसके सपोर्ट में आगे पकड़ा हुआ था दो रंगी छोड़ एक रंगी हो जा सरासर वो नहीं तो सकूं। मैं पहले भी आप लोगों को बोला था, अभी भी एक बात बता रहा हूँ, अगर हमसे अगर काम हलर हुआ, अगर हमारे लीडर अगर काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, एमआईएम का हो, एनपीटी का हो, कोई भी हो, हम किसी से भी काम लेंगे। राजा भाई के ऑफिस में बैठ के बात बोल रहे, लेकिन राजा भाई जिस बात के लिए लब्बैक बोले अल्लाह ताला इनके हक में वो चीज रखा। आज भी जो लोग यहाँ पे आए अल्लाह के फजल से, अभी जो राजा भाई एक मस्जिद के लिए हम बात करें वो उस बात के लिए भी आश्वासन दिए, और हमारे मार्केस की मर्चेंट एसोसिएशन के भी जो रशीद भाई आए हैं। रशीद भाई आपके क्या ख्याल है, क्या था मस्जिद क्या था? जब तक साहब से नहीं मिले थे मुलाकात का अपन बहुत दूर पीछे थे, जब मुलाकात हो गई तो अपन उनके दिल में घुस गया, अपन अपने दिल में घुस गए, ये महसूस हुआ कि साहब अपने से दूर नहीं नजदीक है अपने से। और ये खड़े और बैठने का निजाम का फर्क क्या है? और यहाँ जो बैठना है ठहरा हुआ है अहमदिल्ला वो बोलते नहीं, एक ही समय खड़े महमूद रयाज वहाँ यहाँ जा रहा था मंदिर आ रहा मंदिर आवाज, यहाँ तो कोई नहीं था, सब आओ बैठो आपका क्या काम है, काम करेंगे तैयार है ना, चलो उनको जितना काम हो सकता ले लो। साहब ने जो अंदर से हरा था दिल के, किसी कोई अल्लाह की तरह कुछ नहीं है, आप आओ मैं आपके लिए तैयार हूँ बढ़ेगा, बिल्कुल आपकी सेवा के लिए बढ़ेगा साहब के अल्फाज। एडवोकेट अब्दुल्ला बाहमेद और वफ्द की नुमाइंदगी के बाद गोशामहल एमएलए राजा सिंह ने दुलपेट की अहमद शाही मस्जिद का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने देखा कि मस्जिद के मौसम के कमरे में बारिश का पानी छत से टपक रहा है। एमएलए राजा सिंह ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को ये भी तयखुन दिया कि वो दीवार के काम के साथ साथ मस्जिद की छत का काम भी करवाएंगे। चलो बोल गए बिल्कुल ठीक है, हम जल्द से जल्द उसका काम करेंगे, हमारा विधानसभा है और सबको लेकर चलना हमारा कर्तव्य है। मैं बात क्या बोला आपको, आप राजा है, आपके प्रजा में हिंदू मुसलमान सब है, भेदभाव लेना आपके पूरे जो बाप अपने बच्चों को लेकर चलना चाहिए। गोशामहल एमएलए राजा सिंह के तयखुन के बाद दुलपेट की अहमद शाही मस्जिद के दीवार के तामीर का काम शुरू हो चुका है। इस चीज से एक चीज साफ हो चुकी है कि अल्लाह सुबहाना ताला जिससे चाहे अपने घर का काम ले लेता है,
और ये चीज भी साफ हो चुकी है कि गोशा महल एमएलए राजा सिंह के नाम की तरह वो भी दिल के राजा है, जहां वो हिंदुओं की तरह मुसलमान और दीगर कौम को भी अपनी प्रजा समझते हैं और उनकी बेलौज खिदमत करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।